नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अन्य मार्ग स्थित लोक संवाद भवन में संभावित बाढ़, सूखा एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें वर्चुअल माध्यम से सीएम ने सूबे के कई जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने तैयारियों की जानकारी ली। बैठक के दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने मानसून के मौसम में वर्षा के पूर्वानुमान और अप्रैल मई के दौरान गर्मी की लहरों की संभावना के बारे में जानकारी दी, जबकि आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव ने संभावित बाढ़, सूखा एवं अन्य आपदाओं को लेकर पूर्व में की जा रही तैयारियों की जानकारी सीएम को दी। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों ने नाव संचालन, पॉलिथीन शीट, राहत सामग्री, दवा, पशु चारा, बाढ़ आश्रय, सामुदायिक रसोई, सूखा राशन, भोजन के पैकेट के साथ प्रभावित जिले में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र चलाए जाने की जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को मानसून के आगमन से पहले तैयारी पूरी करने और इस संबंध में हर चीज पर नजर रखने के निर्देश दिए, जबकि मानसून से पहले कटाव रोधी कार्यों, बाढ़ सुरक्षा कार्यों और नदियों से गात और मलबे को हटाने के महत्व पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष बल दिया। वहीं इसको लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन से जिलाधिकारी और SSP समेत जिले के कई विभागों के पदाधिकारी भी जुड़े और भागलपुर में की जा रही तैयारियों की जानकारी भी सीएम को दी। समीक्षा बैठक में सीएम ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्य और जल संरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग से नगर निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जल्द से जल्द प्रशिक्षित करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा सूबे के मुखिया ने भू जल स्तर की निगरानी, संबंधित जिलों से स्थिति का आकलन करने और हर घर में नल के पानी के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आपदा की स्थिति में लोगों को हर तरह से राहत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहने और मुस्तैदी से काम करने का निर्देश विभाग के वरीय पदाधिकारियों के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सूबे के तमाम जिले के जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बिहार सरकार के कई मंत्री, अलग अलग विभाग सचिव, पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के सबसे बड़े और चर्चित सृजन घोटाला मामले की जाँच को लेकर भागलपुर पहुंची CBI की 2 सदस्य टीम ने कोर्ट के आदेश पर पुलिस के साथ कई आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पाया। बताया जा रहा है कि सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी दिवंगत मनोरमा और उसके पुत्र अमित कुमार के 4 मकानों पर ढोल बजाकर 82 का नोटिस चस्पाया गया। इसके अलावा इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर सुमित कुमार के मकान पर भी टीम के द्वारा 82 का नोटिस चिपकाया गया। दरअसल सृजन घोटाला उजागर होने के बाद से ही मामलों के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया फरार चल रहे हैं, जबकि बैंक मैनेजर सुमित कुमार भी पिछले 6 महीने से फरार है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने के बावजूद ये सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद मामले में इन तीनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए CBI कोर्ट के द्वारा इनके मकानों पर नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया गया। इसी को लेकर बुधवार को CBI की 2 सदस्य टीम ने पुलिस के साथ ढोल बजाकर आरोपियों के मकानों पर नोटिस चस्पा किया। वहीं CBI के DSP का कहना है कि अमित कुमार, रजनी प्रिया और सुमित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जबकि आने वाले दिनों में कोर्ट के आदेश पर 83 का नोटिस चस्पाया जाएगा, जिसके बाद इनकी संपत्तियों को CBI अटैच कर लेगी। भागलपुर के पिपैती प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर के फौजदारी गांव वार्ड नंबर 9 में बुधवार को चूल्हे पर खाना बनाने के क्रम में फूस के घर में आग लग गई, जो देखते ही देखते काफी तेजी से फैल गई और आसपास के 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी की घटना में गांव के मानिकचंद यादव, सुधीर यादव, नंदकिशोर यादव, उदय यादव और आजा राम यादव का घर जलकर राख हो गया, जबकि आग की चपेट में आकर घर में रखा अनाज, कपड़ा और खाने पीने की सामग्री के साथ सब कुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि इस आगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति और नगद रुपये भी आग की भेंट चढ़ गई, जिससे पीड़ित परिवार का हाल बेहाल है। वहीं इस दौरान पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम दास ने आग लगने की सूचना तुरंत पिपैती CO सह BDO चंदन कुमार चक्रवर्ती और पिपैती थाना प्रभारी राजकुमार प्रसाद को दी, जिसके बाद मौके पर अधिकारियों के साथ दमकल कर्मी पहुंचे। इधर आग लगी के कारण बेघर हो चुके परिवारों को मुखिया प्रतिनिधि और समाजसेवी आदित्य दुबे के द्वारा सूखा भोजन और नगद रुपये के साथ 50 किलोग्राम चावल की तत्काल सहायता दी गई। साथ ही पीड़ित परिवारों को सरकार के द्वारा आपदा विभाग से मिलने वाली सहायता राशि जल्द दिलवाने की बात कही गई। क्या नाम हुआ आपका? गाजिया यादव। कौन सा पंचायत में कह रहे हैं? पंचायत वार्ड नंबर 9। कैसे घटना हो गया? खाना बना रहा था, चल खाना बनाते बनाते अच्छा क्या क्या क्षति हुई है? लैचा था, मटर था, दहून था, मकई था,
घर का सारा सामान जल गया, चप्पल था, पैसा तो नहीं भी था। भागलपुर बाईपास टीओपी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड हंसडिया से प्याज की बोरी के अंदर छिपाकर भारी मात्रा में बोलेरो पिकअप से लाई जा रही विदेशी शराब को जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान बाईपास टीओपी थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बोलेरो पिकअप पर लदे 75 कार्टून से 1980 बोतल विदेशी शराब जब्त कर लिया, जबकि इस दौरान गाड़ी के साथ करीब 670 लीटर विदेशी शराब जब्त कर पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा निवासी सूर्यदेव सिंह के पुत्र विपिन कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने अनुमंडल अस्पताल नवगछिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए अस्पताल प्रबंधक से लू और कोरोना महामारी से बचाव से संबंधित तैयारियों की जानकारी ली। वहीं एसडीओ ने अनुमंडल अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता की भी जाँच की, जबकि जाँच के क्रम में इमरजेंसी वार्ड में मौजूद एसी नहीं चलने की जानकारी मिलने पर एसडीओ ने अस्पताल मैनेजर की जमकर क्लास लगाई और तत्काल एसी को ठीक कराने का निर्देश एसडीओ ने दिया। इस दौरान प्रसव कक्ष बाहर पीने के पानी के बेसिन में गंदगी का अंबार देखकर एसडीओ ने फिर से नाराजगी जताते हुए अस्पताल मैनेजर को तुरंत उसकी सफाई कराने का निर्देश दिया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने कहा कि अभी प्रचंड गर्मी है और ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों की सुविधा और बचाव के लिए अस्पताल में मौजूद व्यवस्था का उन्होंने निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर उसमें तुरंत सुधार के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए गए। साथ ही एसडीओ ने हीट वेव से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल में एसी वाला एक कमरा उपलब्ध कराने की बात कही। और इसी के लिए गर्मी से बचाव के लिए हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए विभाग से कुछ दिशा निर्देश है। हॉस्पिटलों को कोई भी व्यक्ति हीट वेव से प्रभावित होते हैं उसको तत्काल उपचार के लिए एक कमरा एसी युक्त बनाया जाना था। हम लोग उसका भी निरीक्षण किए हैं तो उसमें कुछ कमी पाई गई है। अस्पताल प्रबंधक द्वारा कहा गया है कि उसको एक घंटे के अंदर ठीक कर लिया जाएगा। एम्बुलेंस में भी एसी को चालू स्थिति में रखा जाना है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होनी है। हम लोग अभी जो कैंपस में एक एम्बुलेंस खड़ी थी उसका जांच किया है कि एम्बुलेंस बिल्कुल वो सही स्थिति में है, तो मुख्यतः ही देखना था। भागलपुर में एक बार फिर से अतिक्रमण पर अनुमंडल प्रशासन का डंडा चला है। दरअसल जिले के नवगछिया अनुमंडल के एसडीओ उत्तम कुमार की मौजूदगी में नवगछिया मकनपुर चौक के दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार और नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने नवगछिया के मकनपुर चौक के दोनों तरफ सड़कों पर लगाए जाने वाले अवैध सब्जी दुकानों और ठेला लगाने वालों को भी वहां से हटाने का निर्देश दिया गया। वहीं इस कार्यवाही के दौरान कई दुकानों से अधिकारियों ने प्रतिबंधित पॉलीथीन को भी
जब्त किया। इधर दुकानदारों की निशानदेही पर नवगछिया बाजार स्थित पवन कुमार के दुकान में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां से छापेमारी के दौरान लगभग 100 किलो पॉलीथीन की कैरी बैग जब्त की गई, जबकि अधिकारियों द्वारा दुकानदार पवन कुमार पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। वहीं इसको लेकर SDO ने कहा कि मकदपुर चौक पर NH 31 के दोनों तरफ सब्जी बेचने वाले और ठेला पर सामान बेचने वालों ने अवैध रूप से सड़क को अतिक्रमण कर रखा था, जिसके कारण लोगों को इस मार्ग से आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके कारण सड़क पर अक्सर जाम लगती रहती थी। हाँ, भ्रमण के दौरान देखा गया मकनपुर चौक के पास NH 31 से दोनों तरफ गोपालपुर और नौगछिया बाजार जाने का रास्ता है। कुछ व्यक्तियों द्वारा साग सब्जी बेचने वाले ठेला वाले के द्वारा NH 31 से दोनों तरफ जाने वाले रास्ते पर ही सड़क पर ही ठेला लगा दिया गया था या टोकरे में रखकर सब्जी बेचा जा रहा था या पान का गुमटी खड़ा कर दिया था, उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी और जाम लगने की भी संभावना बनी रहती थी और जाम लग भी रहा था। इसी कारण से तत्काल वहां पर दोनों तरफ जो दोनों रोड में प्रवेश का स्थल है उसको खाली करवाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।